नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कभी आप 4K सेट में मेन बोर्ड बदलते हैं या तो पैनल रिप्लेस करते हैं तो आपको दो पार्ट में पिक्चर दिखाई देता है। ये एक सेटिंग की वजह से होता है या तो सॉफ्टवेयर मैच नहीं होता है, उस वजह से ये फॉल्ट फॉल्ट तो नहीं बोला जाएगा, ये एक मिसमैच सेटिंग क्रिएट होती है। जैसे कि आप जानते हैं, 4K सेट में V/1 की 8 लेन होती हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर डिजाइनर अगर V/1 का आउटपुट 8 पेयर में देता है तो वो एक डिवीजन बोला जाता है, 1 डिवीजन। अगर वो 2 डिवीजन में करे तो उसे डिवाइड कर देगा 4 4 लाइनों में। वो अगर मिसमैच होता है पैनल और मेन बोर्ड के साथ में, कि अगर पैनल का डिफॉल्ट सेटिंग 1 डिवीजन में पिक्चर क्रिएट करना है तो वो ये डबल इमेज कर देता है। तो हम वो 3 तरह से उसे क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1, डेवलपर ने अगर सर्विस मोड में वो ऑप्शन दिया है तो हमने उस सेट का सर्विस मोड ऑन करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं इस सेट का सर्विस मोड ऑन करूँगा। तो यहां पे आपको पैनल सेटिंग में जाना है। वहां पे पैनल डिवीजन, हमें यहां पे जो ऑप्शन दिखाई देंगे, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन और 2 डिवीजन में ऑड इवन, तो यहां पर जो आउटपुट है V/1 का वो हमें पता नहीं होता है, और पैनल का क्या सेटिंग है वो हमें पता नहीं है। तो बारी बारी से ये पैनल डिवीजन हमें चेंज करके देखने होंगे। तो यहां पे 1 डिवीजन ऑड इवन, यानी अब ये आठों V/1 पेयर में वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है। अगर मैं 2 डिवीजन करता हूं तो वो टू डिवीजन में अलग अलग जो लेफ्ट एंड राइट साइड का वीडियो है वो दे रहा है। और अगर मैं 1 डिवीजन कर दू, 1 डिवीजन मीन्स जो 4 पेयर हैं वो उसे 1 डिवीजन समझ रहा है, और पूरा पिक्चर 4 बाय 4 यानी 2 भाग में वो डिवाइड करके ट्रांसमिट कर रहा है। इस वजह से मुझे ये 2 बार स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे पहली 4 पेयर लेफ्ट हैंड कॉर्नर को वीडियो ट्रांसमिट कर रही है वो सेम फुल स्क्रीन, और दूसरी 4 पेयर जो हैं वो राइट हैंड को ट्रांसमिट कर रही है सेम फुल स्क्रीन। तो हम ये सर्विस मोड से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट रहेगा वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर अपडेट का। अगर आपके पास में उस पैनल के मैचिंग डेवलपर सॉफ्टवेयर हो तो आप पेन ड्राइव से उसे अपडेट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है पैनल के ऊपर जो टिकॉन बोर्ड लगा हुआ रहता है उसके ऊपर उसे स्विच करना। जैसे हमने HD FHD में देखा हुआ है, LVDS मैपिंग, रिवर्स स्विच, टिकॉन टेस्ट स्विच वगैरह दिए हुए रहते हैं। FHD में भी
वैसे ही स्विचेस दिए हुए रहते हैं एलवीडीएस सिग्नल के बाद में। तो यहाँ पर भी पैनल मैन्युफैक्चरर ने आपके लिए ये स्विचेस दी हुई हैं कि आप उसे मैन्युअली स्विच करते हुए ये मिसमैच सेटिंग क्लियर कर सकते हो, जो मैं इमेज में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो इमेज है उसमें जो मार्किंग पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर आपने स्विच करना है, तो आप ये मिसमैच सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गोराणी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।